दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सुंदरवन नदी डेल्टा के बारे में बताऊंगा जो भारत और बांग्लादेश की जमीन पर मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है अब आपके दिमाग में यहाँ पे एक सवाल आएगा कि एक नदी डेल्टा होता क्या है तो पहले समझ लो कि एक नदी डेल्टा क्या होता है देखिए अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बनावट के हिसाब से नदियों को दो तरीके से बांटा गया है एक वो नदियाँ हैं जो पहाड़ों से निकलती हैं जो कि आपके नॉर्दर्न रेंज के अंदर हैं जैसे कि हिमालय की पूरी रेंज आपको दिखती है हिमालय की पहाड़ियाँ हैं जो कि उत्तर से उत्तर पूर्व तक फैली हुई हैं वहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं वो ग्लेशियर्स पिघलते हैं और उनकी वजह से नदियाँ बहती हैं उदाहरण के लिए गंगा और यमुना जैसी नदियाँ हो गई हैं जो सीधे सीधे ग्लेशियर से बह के आती हैं और इसके अलावा आप कैलाश मानसरोवर में देखोगे तो मानसरोवर झील के पास ब्रह्मपुत्र भी निकलती है और साथ ही सिंधु भी निकलती है तो इन नदियों की खास बात यह है कि इनका सोर्स जो है इनका जो स्रोत है वो ग्लेशियर होते हैं और इसकी वजह से इनके अंदर पानी की कभी कमी नहीं होती तो ये वाहिनी होती है साल भर बहती ही रहती है वहीं दूसरे टाइप की जो नदियाँ होती हैं वो पठारों से निकल के आती हैं जिनका मेन सोर्स होता है बारिश यानी कि जलचक्र उसी की वजह से पानी जो है इनके अंदर आता है और ये नदियाँ बहती हैं अगर कहीं गर्मी ज़्यादा पड़ गई तो ये नदियाँ सूख भी जाती हैं आपको पता होगा इस बारे में तो बेसिकली कोई नदी या तो पहाड़ों से बहुत ऊंचाई से बह के आ रही है या फिर पठार से बह के आ रही है अब जब नदी बहते बहते अपने किनारे पे पहुंचती है समुद्र के किनारे पे पहुंचती है तो बहुत सी ऐसी नदियां होती हैं जिनकी रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है भाई शुरुआत पे तो हम ऊंचाई से चले थे ढलान से चले थे तो हम तेज थे हमारी स्पीड तेज़ थी लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ मैदान आ गए मैदान से मतलब समतल भूमि आ गई समतल भूमि आ गई तो हमारी स्पीड धीमी हो जाती है और यही कारण है कि धीमा होने की वजह से जो नदी है ये टूट जाती है मतलब अलग अलग धाराओं में बट जाती है और इसी वजह से जो बीच में छोटी छोटी मिट्टी रह जाती है मिट्टी रह गई यहाँ धारा निकल गई मिट्टी रह गई यहाँ धारा निकल गई तो आप ये कह सकते हो कि डेल्टा जो है वो छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है हालांकि इन द्वीपों में कोई रहता नहीं है लेकिन बहुत छोटे छोटे द्वीपों का जो समूह होता है उसे ही आप डेल्टा कहते हो ऐसा ही एक डेल्टा यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भारत और बांग्लादेश की भूमि पर भी है ये जो डेल्टा है इसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है जिसको बांग्ला भाषा में सुंदौरबन डेल्टा भी कहते हैं देखिए यह जो डेल्टा है वो मुख्यतः भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की धरती पर है और बंगाल के अंदर एक बहुत फेमस पेड़ है सुंदरी पेड़ तो उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है मतलब पूरे फॉरेस्ट का पूरे डेल्टा का नाम इसी के नाम पे रखा गया है सुंदरबन डेल्टा तो अब यहाँ पे तीन नदियाँ हैं एक है गंगा जिसको बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है एक है ब्रह्मपुत्र जिसको बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है और एक है मेघना नदी ये तीनों नदियां जब आपस में मिल जाती हैं बांग्लादेश के अंदर तो बनती है मेघना नदी और ये मेघना नदी जब बंगाल की खाड़ी के तट पे पहुंचती है तब इसकी जो स्पीड है जिसका प्रवाह है वो काफी स्लो हो जाता है धीमा हो जाता है और उसी वजह से ये बटना शुरू हो जाती है धाराओं के अंदर और इसी से इस डेल्टा का निर्माण होता है अब ध्यान देने वाली बात है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय डेल्टा है इसका मतलब ये है कि पानी तो रुकता नहीं है जैसा कि मैंने कहा कि साल भर बहने वाली नदियां हैं गंगा है ब्रह्मपुत्र है तो पानी तो रुकेगा नहीं पानी लगातार आता रहेगा उसकी वजह से यहाँ पे सक्रियता बनी रहती है और उसी सक्रियता की वजह से यहाँ पे सदाबहार वन यानी कि जो जंगल और खारे पानी के दलदल बन जाते हैं तो अब सवाल ये है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में सुंदर किस तरीके से विभाजित है तो देखो दस हजार वर्ग किलोमीटर के अंदर एक पूरा जंगल फैला हुआ है जिसका तकरीबन चालीस प्रतिशत हिस्सा जो है वो भारत के पास है और साठ प्रतिशत हिस्सा जो है वो बांग्लादेश के पास है मैं आपको बता दूं कि इसको एक पूरा नाम दिया गया है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान यानी कि एक नेशनल पार्क है और इस नेशनल पार्क के अंदर बहुत सारे जानवर भी रहते हैं स्पेशली एक नरभक्षी बाघ यहाँ पे रहता है जिसको बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा बंगाल का टाइगर तो अब यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा की विशेषताएँ है क्या हैं तो देखो कुछ एक विशेषताएँ हैं जिसमें से पहली विशेषता तो ये है कि यहाँ पर मैग्रोव के वन है अब ये मैग्रोव के वन क्या होते हैं तो देखो मैग्रोव जो है वो एक तरीके का पेड़ पौधा ही होता है इसकी खास बात ये होती है कि ये कम ऑक्सीजन वाली मिट्टी के अंदर उग सकता है और साथ ही ये खारे पानी में या फिर आधे खारे पानी के अंदर भी उग सकता है जैसे कि आपको पता है कि गंगा ब्रह्मपुत्र यहाँ पे आती हैं ठीक है मेघना नदी यहाँ पे आती है तो नदियों में तो मीठा पानी होता है वो मीठा पानी जब समुद्र के पानी से मिलता है तो ये पानी आधा खारा हो जाता है या फिर पूरा खारा हो जाता है तो उस स्थिति के अंदर भी मैग्राव का पौधा यहाँ पर उग जाता है तो इसी वजह से यहाँ पे मैग्रोव की तादाद बहुत ज़्यादा पाई जाती है इसीलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा मैग्रोव वन भी कहा जाता है अब इसमें एक ख़ास बात यह भी है कि जो मैग्रोव का पौधा है वो सिर्फ भूमध्य रेखा के आसपास ही उगता है वो इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा ठंडे वातावरण में उग नहीं सकता अगर ये थोड़ा ऊपर उगेगा तो ऊपर आपका नॉर्थ पोल है नीचे जाएगा तो नीचे साउथ पोल है इसी वजह से ये जो इक्वेटर के आसपास का एरिया है यहाँ पे जो देश है ये थोड़े गर्म हैं तो इसी वजह से यहाँ पे मैग्रोव उग जाता है तो दुनिया का सबसे बड़ा मैगराओ का जंगल कहाँ है सुंदरबन के अंदर है भारत और बांग्लादेश की भूमि के ऊपर अच्छा जो लकड़ी सुंदरबन के अंदर उगती है उस लकड़ी से नाव निर्माण बड़ाईगिरी या फिर पुल निर्माण घर निर्माण उपयोगिता के खम्भे आपने देखे होंगे लकड़ी के खम्भे भी होते हैं या फिर अन्य लकड़ी के उपकरण बनाए जाते हैं तो कोशिश की जाती है कि इस वन का जो सामान है वो अच्छी तरीके से प्राकृतिक रूप से यूज किया जाए और यहाँ की प्रकृति को बचाया जा सके क्योंकि यहाँ की जलवायु थोड़ी कमजोर है इसीलिए इसको स्पेशली संरक्षित किया जाता है ठीक है अच्छा एक खासियत ये है कि यहाँ पे दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं यानी कि ऐसी प्रजातियाँ जिनके गायब होने का खतरा बहुत ज़्यादा है ऐसी प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं जैसे कि एस्ट्यूरिन मगरमच्छ एस्ट्यूरिन मगरमच्छ जो है वो खारे पानी का मगरमच्छ कहलाता है जो खारे पानी में पाया जाता है वैसे आपने मुख्यतः देखा होगा कि मीठे पानी के अंदर मगरमच्छ पाए जाते हैं लेकिन ये खास मगरमच्छ की प्रजाति है जो यहाँ पाई जाती है इसके अलावा रॉयल बंगाल टाइगर तो है ही है इसके अलावा एक छिपकली होती है जिसको मॉनिटर छिपकली कहा जाता है जल मॉनिटर छिपकली वो भी यहाँ पाई जाती है एक है गंगा डॉल्फिन इसका नाम तो आपने सुना ही होगा जो मीठे पानी की मछली होती है और इसके अलावा एक रिडेल कछुआ होता है जिसको ऑलिव रिडेल कछुआ भी कहा जाता है जो समुद्री कछुआ होता है खारे पानी के अंदर तैरता है वो भी यहाँ पे पाया जाता है और अंत में बचता है भारतीय अजगर जी हाँ अजगर भी है जो यहाँ पे पाया जाता है तो इस तरीके की प्रजातियाँ हैं वो यहाँ पाई जाती हैं इसके अलावा 260 से ज्यादा मतलब कम से कम 260 पक्षियों की प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं मतलब ज्यादा भी हो सकती हैं लेकिन मिनिमम 260 तो है ही हैं तो कहीं ना कहीं उनके संरक्षण के लिए ये जगह बहुत जरूरी हो जाती है इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को ने सुंदरबन डेल्टा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया था यानी कि विश्व विरासत स्थल या फिर विश्व धरोहर स्थल दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको सुंदरबन डेल्टा समझ में आया होगा इससे जुड़ी हुई जरूरी चीज़ें आपने याद कर ली होंगी क्योंकि इससे सवाल बनने के चांसेस होते हैं तो ये सारी चीज़ें बताना आपको जरूरी था अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही सी इन द नेक्स्ट वन